wear this afterwards. और ये इसका जो heavy portion है वो wedding के लिए है. So I love it because it's a beautiful color. Pink is a girl's color. It just defines her. I think मैं मुझे actually Amy को thank you बोलना है क्योंकि सलिल और मैं कभी भी एक साथ ऐसे आगे नहीं आए. So he keeps coming on screen, but I haven't done this. So I'm very happy and सलिल बहुत ही ज़्यादा handsome लग रहा था. And I thought the two of us together अभी रेडियो के सुनने वालों के लिए एक चेहरा मिल जाएगा जहाँ पे भी ये फोटो जहाँ पे भी आएगी. Thank you so much. And I loved. Obviously, actually, जब ज्वेलरी इतनी खूबसूरत हो और ये भाई बहन की जोड़ी अमेजिंग है यार. मतलब एक तरफ एक बहुत खूबसूरत कपड़े बना रहे हैं और दूसरी तरफ टू कॉम्प्लीमेंट हर क्लोथ्स द ब्रदर्स वर्किंग विथ हर. ऐसी जोड़ी मैंने बहुत कम देखी है. सो आई थैंक देम एंड ऑफ कोर्स द फीलिंग ऑफ वेडिंग सीजन अभी आ रहा है और वैसे ही अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो एक फीमेल पावर जो मैंने इस फैशन शो के दौरान, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट हमारे इंडस्ट्री में बहुत कम लड़कियां हैं. Amy, I love you for hiring only ladies. All the chicks did a fantastic job with the makeup and the girls with the hair as well. So I think ye ek fem power aur ha dulhan banne ki abhi ichha ho rahi hai, so I think main jaldi sochungi. Thank you so much. Bye. I think Amy has done a splendid job. She's made a lovely wedding collection, and well, I'm happy to be part of the show. क्या कहना चाहेंगे? पूरा शादी का माहौल एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम ब्रांड पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक वेडिंग कलेक्शन को लेके बहुत इतने प्यारे तरीके से दिखाया गया है. कलेक्शन को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप अपने तरफ से अपने व्यूज क्या रखेंगे? पूरा लंदन चमकदा. I think gold is something that is everyone's favorite, or dol mein sone di. So that's what this outfit is all about. It's all gold, all finery, and I think Amy has this as her showstopper for that reason. मैं चली गई 25 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी. सो इट वॉज रेमिनिसिंग अबाउट द पास्ट. थैंक यू मैम. इट्स फैंटास्टिक शो रियली. आई लव इट अ लॉट एंड ऑल दिस प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल लाइक ड्रेस एंड एवरीथिंग. ब्यूटीफुल क्राउड एंड फैंटास्टिक डिजाइनर. Still, I'm not planning to get married, actually. Maybe one time again. सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी हमारी फेवरेट ब्यूटीफुल गॉर्जियस डिज़ाइनर एमी बिलिमोरिया को, जो ना सिर्फ हम सबको खूबसूरत बनाती है बल्कि आज आए इस शो में उन्होंने चार चांद लगा दिए. इट वॉज़ वेरी गुड शो बिकॉज डांडिया के दिन चल रहे हैं मुंबई में. ऑलरेडी त्यौहार इतने ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है और आज हम सब ने मिलकर यहाँ पर जो सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ डांडिया बनाया और उन सब ने जो परफॉर्म किया, ना सिर्फ कैटवॉक की बल्कि डांस के स्टेप्स भी किए एंड वी लव्ड इट. ऑफ कोर्स मैंने आज रेड कलर इसीलिए पहना है बिकॉज इट वाज अ थीम दैट वेडिंग डे. आई टोल्ड मानसी आल्सो टू वेयर समथिंग एंड शादी के दिन तो ऑफ कोर्स याद आ गए. ऐसे लग रहा था कि सबको पीछे मेरी तरफ से एमी बिलिमोरिया को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. बहुत ही अच्छा शो था. बहुत ही खूबसूरती से एक एक मॉडल और एक एक एक्टर तैयार हुए थे. सभी बहुत खूबसूरत लग रहे थे दूल्हे और दुल्हन के गेटअप में और दिन भी उनके लिए काफ़ी खूबसूरत और फेस्टिवल का माहौल है. तो मेरी तरफ से काफ़ी ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद एंड मैंने बहुत बहुत ज़्यादा